में स्टार्ट करिए, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे तो आप स्टार्ट करिए। अच्छा सर, ओके ओके। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर अंशुमन सिंह। We are very proud that we are proud to announce that we are holding a webinar on the topic of entrepreneurial mindset development for our students under the entrepreneurship and startup cells. Before starting the webinar, I would like to give a brief introduction about Mr. Anshuman Singh. He is a founding director of School Sable Mentors Mind Private Limited and also a North India President SICCIMSME. And chairman of Indian Entrepreneur Group. He's also been a TEDx speaker and has also been awarded as Uttar Pradesh Ratna. Up till now, he has trained 1.5 lakh Indians, and he has a mission to create 5 lakh graduate preneurs till 2025. He has delivered across 50 plus startup lectures till now in colleges and universities. We hope that our students would get to learn a lot from him today. Thank you, sir, for joining us for the webinar today. Hope our students will get to learn a lot from you today. Thank you so much, Sonali. Na acha aapne introduction diya, and special thanks to रेहान सर कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं बच्चों से बात कर सकूं। और आज का जो टॉपिक भी मैंने लिया वो लिया एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट। हालांकि आज मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में बैठा हुआ हूं, एक मीटिंग से आना पड़ा मुझे, बट मैं लैपटॉप कैरी कर आया था कि मुझे बच्चों से जुड़ना है, एनी हाउ जुड़ना है और उनसे बात करनी है। सो फ्रेंड्स, हेलो कानपुर, कैसे हैं आप सभी? और आप जितनी भी बातें हैं कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कर सकते हैं मुझसे। हम शुरू भी करेंगे अपना प्रोग्राम, अपना सेशन शुरू करेंगे। बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, लेकिन ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एम आई ऑडिबल? एक बार अगर आप ऑडिबल देन मैं स्टार्ट करता हूं। हेलो हेलो अरबिया, हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? Am I audible? Please मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आशीष प्रताप सर कैसे हैं आप? रितु सोनी, हेलो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आज का जो हमारा विषय है वो कॉलेज के सब्जेक्ट से मिलता जुलता नहीं है, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आज मैं अपने कानपुर वालों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कानपुर से हूँ। कानपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करी मैंने, और बहुत अर्ली स्टेज से मैंने अपना सफर शुरू किया था। आई एम जस्ट 24 ईयर ओल्ड राइट नाउ, और 2019 पास आउट हूँ मैं। ये कहीं भी मेंशन नहीं होगा ना, मेरे इंट्रो में कहीं भी मेंशन होगा 2019 कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से पास आउट हूँ। और ये जो मेरी इंजीनियरिंग के 4 साल रहे, आप लोगों से बिल्कुल अलग रहे। पढ़ाई के साथ साथ मैंने स्टार्टअप इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और हर जगह से कुछ सीखने की कोशिश करी। ये जो 4 साल मेरे रहे, इन 4 साल में लगभग मैंने 50 प्लस कॉलेजेस एज अ गेस्ट स्पीकर विजिट किए, जबकि मैं खुद ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था। 2019 मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, पढ़ाई और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को पैरेलली लेके मैं चला कि कुछ आगे करना है, कुछ अलग करना है, कुछ आप लोगों के लिए करना है। 2019 जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, दोनों को मैंने पैरेलली लेकर चला और कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग भी अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण करी, पास करी। फ्रेंड्स, 2019 के बाद 2020 एंड 2021 दो साल पूरा पेंडेमिक में गए, अनएक्सपेक्टेड पेंडेमिक आया। हमको किसी को ज्ञात नहीं था इसके बारे में कि ऐसी कोई आपदा भी आ सकती है, लेकिन यह जो आपदा आई या जो पेंडेमिक आया, कहावत भी कही गई है कि आपदा आविष्कार की जननी है। जब भी कोई समस्या आती है तो अपने साथ एक समाधान लेकर आती है, और यह एक समाधान है कि मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। यह इस आपदा का समाधान है कि आज मैं इतने अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ा हूँ कि पूरा विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कानपुर एंड अलीगढ़ जोन मुझे सुन रहा है।
फ्रेंड्स, यह जो एंटरप्रेन्योरशिप विषय है ना, ये अपने आप में एक अलग विषय है, ये अपने आप में एक अलग जज्बा लेकर आता है आपके अंदर। मैं यह बोल सकता हूं कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत कम लोगों का रुझान इस क्षेत्र की तरफ हो, मे बी 1% लोग ऐसे हों जो खुद का वेंचर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम खुद का वेंचर शुरू करते हैं तो उसके लॉट्स ऑफ फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। कि भाई अगर आप लोगों में से कोई दो लोग अपनी कंपनी शुरू करते हैं तो मे बी वही दो लोग जितने भी आपके बैचमेट्स हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कर सकें। आज हम बहुत समय से सुनते चले आ रहे हैं कि भारत हमारा विकासशील है, विकसित नहीं है, हम अभी अंडर डेवलप हैं, अभी हम डेवलप्ड कंट्री के तौर पर नहीं गिने जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है वो है रोजगार, जॉब। इतने सारे लोग नौकरी करते हैं, इंजीनियरिंग करने आते हैं, हालांकि विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत प्रयासरत है कि उनके 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो सके, अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो सके, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं। दोस्तों, आपको अपने अंदर सबसे पहले अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना होगा। इसीलिए आज का विषय हमारा रहा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी से मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है यह बहुत आपके लिए लाभदायक साबित होगा, आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। तो आगे हम इस सेशन में बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एंटरप्रेन्योर वर्ड क्या होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि ऐसा बच्चा जो समाज में किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की जरूरत है, उसको मुहैया करा सकता है, आप तक ला सकता है, आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, उस बच्चे को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और उसके अंदर ये जो क्वालिटी होती है इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। एक बार फिर से मैं डिफाइन करूंगा कि वह समस्या कोई भी हो सकती है, आपके अगल बगल हो सकती है, पास पड़ोस में हो सकती है, आपके कॉलेज में हो सकती है, या कोई बहुत बड़ी समस्या हो सकती है या कोई बहुत छोटी समस्या हो सकती है। समस्या जब भी हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि समस्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत छोटी भी हो सकती है और समस्या बहुत बड़ी भी हो सकती है। अगर हमारे अंदर वो जज्बा है, हमें लगता है कि हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो वी आर एंटरप्रेन्योर, हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम बदलाव ला सकते हैं, हम नेशन बिल्डिंग में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। अब एंटरप्रेन्योर और छोटे छोटे और वर्ड हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा, जो आप सुनते रहते होंगे, कि एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं और ऐसा नया शुरू कर रहे हैं कि वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, वो आपका आइडिया है, आपने उस पर काम किया है, आपने उस पर शोध किया हुआ है और आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। अब उस नए आइडिया में आपने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया हुआ है और आपके साथ साथ तमाम लोग आपके उस आइडिया से लाभान्वित हो रहे हैं, बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो उस शब्द को हम, या जो हमने एक्टिविटी करी है, इसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप वर्ड आता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें गूंजने लगती हैं, लाइक ओयो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो। अगर हम अगल बगल देखेंगे तो आज हमारी जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप जगत से जुड़ी हुई है और विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में क्रांति भी आई हुई है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें बाई डायरेक्शनल कन्वर्सेशन हो। अगर मैं कुछ आपसे बात कर रहा हूं तो आपके भी मैसेजेस मुझको मिलते रहेंगे चैट सेशन में, तो हमें और मजा आएगा कि हाँ आप सुन रहे हैं। देखिए, आप हमको दिखाई तो दे नहीं रहे, अब आप हमको, हम हमको आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें तभी पता चलेगा जब आपके चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस हमको मिलेंगे, हम ऑडिबल हैं कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, अमित चौधरी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अतुल शर्मा जी, तमाम लोग मुझे सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे मुझे लग रहा है ना कि मेरी स्क्रीन बार बार मुझे दिख रही है, तो ऐसा तो नहीं मैं अकेले हूं, मुझे लगे कि हाँ विजन के बच्चे, विजन के बच्चे जो एक विजन के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं। मतलब फैकल्टी मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि लगातार इस पेंडेमिक में भी वो लोग लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे सेशन, मतलब मैंने तो गो थ्रू किया कि मैं तो एक बहुत आम व्यक्ति हूँ, इतने अच्छे अच्छे लोगों को आपको सुनने का मौका विजन इंस्टीट्यूट ने दिया है कि आपको घर बैठे नॉलेज का भंडार आप तक पहुंच रहा है। तो हम फिर से अपने बात पर आते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप क्या होता है, हमने इसके बारे में डिफाइन किया एंड हमने एक बात बोली आपसे कि यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा।
कि आप का जन्म जिस एरा में हुआ है या आप जिस समय अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एंटर किए हैं वो बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कुछ अलग करने की। यही चीज अगर हम 10 साल पहले सोचते तो मे बी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं जगह जगह। भाई आपके विजन इंस्टीट्यूट में भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल का गठन किया गया जिसके अंतर्गत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी तरीके से अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिससे संबद्ध आपका कॉलेज है और उत्तर प्रदेश में लगभग 700 कॉलेजेस हैं, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी अपना लगातार स्टार्टअप को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इनोवेशन को कैसे बढ़ावा दे सकें, बच्चों के अंदर हम कैसे इनोवेटिव थिंकिंग ला सकें, इसलिए हर तरह के कार्यक्रम कर रहा है। वो बच्चों के एंड से भी, बच्चे कैसे हो कैसे ट्रेनिंग ले उसके लिए भी कार्यक्रम चल रहा है, और फैकल्टी को भी वो फैकल्टी मैनेजमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, FDP चला रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे फैकल्टी भी सीखकर बच्चों के अंदर उद्यमिता के गुण विकसित कर सके कि कैसे वो एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग ला सकते हैं। तो हमने बोला आपसे कि भाई यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा, आपका जन्म बहुत सुनहरे समय में हुआ है कि आज आपके कॉलेज मैनेजमेंट से लेकर आपके यूनिवर्सिटी से लेकर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हर विभाग आपकी मदद करने के लिए तैयार है कि आप कुछ शुरू करें। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये जो शब्द बोला यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा, इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम पेंडेमिक में बात कर रहे हैं, हम कोरोना काल में बात कर रहे हैं। ऐसे में आज भारत, 5 दिन पहले का स्टेटमेंट है, एक विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका नाम है स्टार्टअप इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। उन्होंने ट्विटर के जरिए, उनके चेयरमैन ने एक अनाउंसमेंट किया कि वी आर इंटरिंग इन 50,000 क्लब, 50,000 स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर। दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट है, मतलब 5 साल में 50,000 स्टार्टअप निकल कर आए हैं भारत के, जो अपना नया आइडिया लेकर आए हैं और इनको भारत सरकार आगे बढ़ा रही है। अब आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग डेवलप करनी है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना है। तमाम तरीके योजनाएं हैं, तमाम तरीके के लोन स्कीम है कि आप शुरू करो, बैकएंड में पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट करना है। कि अब हम एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप कैसे करें, उसके लिए मैंने आपसे बोला कि आप देखिए कि आपके सराउंडिंग में कौन सी चीज ऐसी है जो आपके अगल बगल उपस्थित नहीं है, कौन सी ऐसी समस्या आ रही है कि जो जिसका सलूशन आप निकाल सकते हैं। आप उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, आप उनको नोट डाउन करिए, आप उनको लिख लीजिए कहीं पर कि हमारे अगल बगल इन चीजों की कमी है। वो चीज कोई भी हो सकती, लाइक आपके आस पड़ोस में समय से दूध नहीं पहुंच रहा है, आपके आस पड़ोस में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, या आपके आस पड़ोस में और कोई समस्याएं हैं। आप उनको, आप अपने घर परिवार से शुरू करिए कि आपके घर पे कौन सी समस्या है। भाई आप अगर मोबाइल लगाने जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मोबाइल लगाने के लिए थोड़ा दूर ट्रेवल करना पड़े, बेड से हो सकता है थोड़ा दूर हो हमारा सॉकेट, तो आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं? अगर हाँ, देन आप उसको कैसे दे सकते हैं उसको डिफाइन करिए। सबसे पहले आपको एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलप करना होगा कि ये समस्या है और इसको हम समाधान कर सकते हैं या नहीं। हो सकता है कि समस्या बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो, हमें हाइपोथेटिकल नहीं सोचना है, हमें बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं हम चंद्रमा या सूर्य के बारे में बात करने लगे, हमें इतना बड़ा नहीं सोचना है। हमें जो सोचना है वो सराउंडिंग के बारे में सोचना है कि भाई हमारे सराउंडिंग में क्या समस्या है, गंदगी से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, हमारे कॉलेज में ये चीज नहीं है, क्या हम इसको इनोवेट कर सकते हैं। और स्टार्टअप का गुण तो आपके अंदर इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर से ही डेवलप हो जाता है। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, हर बच्चे को एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, आप एक प्रोजेक्ट बनाइए और उससे सीखिए। अब हमने कोई आइडिया हमारे दिमाग में आ गया, हमने उसको नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद हमें जो दूसरा स्टेप करना है वो करना है कि फीडबैक कलेक्ट करना है। आपने जो सोचा है क्या उसकी सोसाइटी को जरूरत है या नहीं है। भाई आप जो चाह रहे हैं जरूरी नहीं उसकी सोसाइटी में जरूरत हो। आप एक बार फीडबैक देखिए कि सर ये देखिए ये हमने बनाया है, हम इसको बनाना चाह रहे हैं, हम इसको आगे लाना चाह रहे हैं, कैसा रहेगा ये आइडिया, अब ये आइडिया हमारा कैसा रहेगा। आप लोगों से फीडबैक कलेक्ट करिए,
फीडबैक कलेक्ट करिए तब आपको पता चलेगा। और हाँ, ये फीडबैक आप किससे ले सकते हैं, क्योंकि आप अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, आप फैकल्टी मैनेजमेंट दिख रहा है हमारे सामने, सारे लोग जुड़े, आप अपने फैकल्टी से पूछिए, आप अपने बैचमेट से पूछिए, टीममेट से भी पूछिए, दो तीन तरह के लोग देखेंगे आपको, बहुत सारे लोग ऐसे देखेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे और बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, अरे ये क्या सोच लिया तुमने, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोचना है, आपको जिनसे फीडबैक लेना है, फीडबैक हमें दो तरीके के मिलेंगे, यस या नो में। अब अगर यस में फीडबैक मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नो में मिल रहे हैं तो हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, ये नहीं कि हम उससे गुस्सा हो जाएं कि नहीं नहीं सर हमारा आइडिया बेस्ट है और आप गलत बता रहे हैं हमसे, ऐसा नहीं करना है हमें। अब हमें लगभग 100 से 50 फीडबैक फॉर्म कलेक्ट करने हैं और उसमें देखना है कि रेशियो क्या आ रहा है, कि 50% यस आ रहा है, 50% नो आ रहा है, वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर से बिजनेस में सुधार करना होगा, बिजनेस में सुधार करना होगा, मॉडल में सुधार करना होगा और फिर से फीडबैक लेना होगा। जब भी हमें लगेगा कि यस का रेशियो ज्यादा है नो के रेशियो से, देन इट्स टाइम टू लॉन्च योर बिजनेस। तब आपको अपने बिजनेस को लॉन्च करना है। लॉन्च कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको नामकरण करना होगा। भाई हमारे घर में बच्चा होता है, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप, स्टार्टअप इज वेरी सिमिलर टू अ लिटिल बेबी, छोटे बच्चे की तरह होता है, सारे काम आपको वैसे ही करने हैं जैसे हम बच्चे के करते हैं। आपको सबसे पहले तो उसका नामकरण करना है। नामकरण आप कहाँ से करेंगे, MCA पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर जाएंगे, आप देखेंगे कि नाम अवेलेबल है या नहीं है। आप सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करेंगे, आपको देखना होगा प्राइवेट लिमिटेड करें, LLP करें, एक CA से बात करिए, आप एक CA से बात करिए कि सर हम ऐसा ऐसा करना चाहते, सबसे पहले नामकरण। बहुत सारे स्टार्टअप यहीं पर फेल हो जाते हैं कि भाई नाम ही नहीं करते हैं, कंपनी रजिस्टर ही नहीं करते हैं और बिजनेस चलाते हैं, ऐसा नहीं, सबसे पहले नामकरण। दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, पहला स्टेप तो फीडबैक कलेक्ट किया, दूसरा स्टेप कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है हमको, तीसरा स्टेप जो हमें करना है वो ये करना है कि टीम बिल्डिंग, टीम कैसे बिल्ड करें। अच्छी टीम आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती है, कि एक अच्छी जो टीम होगी, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, मतलब टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, आपको अच्छी टीम बनानी है। कभी कभी होता यह है कि अर्ली स्टेज पर जब हम टीम बनाने में ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा स्टार्टअप फेल होने का बहुत बड़ा कारण जो होता है वो टीम बिल्डिंग होता है, कि हमारी अच्छी टीम नहीं बन पाई। दोस्तों टीम बनाते समय आपको ध्यान देना है कि जो टीम आपकी हो उसके अंदर वो प्रतिभा हो जो आपके अंदर नहीं है, उसके अंदर वो प्रतिभा हो जो आपके अंदर नहीं है। अगर आपको मार्केटिंग अच्छी आती है तो टीम का जो आपका एसोसिएट वाला व्यक्ति हो वो प्रेजेंटेशन अच्छा करता हो, उसकी वोकल जो उसका जो बातचीत करने का जो तरीका है, प्रेजेंटेशन स्किल है, वो अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हमने पहले आपसे बोला कि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, आपको टीम अच्छी बनानी है जिससे आने वाले समय में आपका बिजनेस फेल ना हो, क्योंकि जब हमारा बिजनेस फेल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हम टीम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, टीम के लोग हमको छोड़ के जाने लगते हैं। और एक बिजनेस और स्टार्टअप बहुत अलग है, बिजनेस में तो आप टीम को पैसा देते हो, बट स्टार्टअप में आप शुरुआती दिनों में हो सकता है अपनी टीम को कुछ पे भी ना करो, और फ्री में लोग आपके साथ जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत ध्यान देना होगा। अब टीम बन गई हमारी किसी तरह से, क्योंकि टीम बनाना बहुत जरूरी, मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, सबसे पहले फीडबैक लेना है, फीडबैक के बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन, देन टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा बहुत जरूरी है, कि भाई जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए एक टर्म यूज किया जाता है स्टार्टअप इंडस्ट्री में, बूटस्ट्रैपिंग, कि ये बूटस्ट्रैपिंग हम करें अपने स्टार्टअप को, बूटस्ट्रैप करें। बूटस्ट्रैप क्या है, मैं आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ, कि ऐसा स्टार्टअप जो सेल्फ फंडेड हो, जिसको हम दो तीन लोग मिलके शुरू कर सकें, हम कुछ पैसा अपने पास से लगा सकें और आगे हम अपना काम कर सकें।
ओके सो आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल. एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, क्योंकि होस्ट के साइड से अनम्यूट था, मैं ट्राई कर रहा था अनम्यूट करने के लिए, होस्ट के साइड से म्यूट था तो अनम्यूट नहीं हो रहा था इधर से. ओके ठीक है अमित. ओके सचिन, ओके सचिन. तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई अब हम स्टार्टअप अपना लेकर आ गए, और कैसे हम उस स्टार्टअप को आगे ले जा सकते हैं. मैंने पहले आपको बताया पहला प्रोसेस कि आपको फीडबैक कलेक्ट करना है, दूसरा आपको फीडबैक कलेक्शन के साथ साथ नामकरण करना है, कंपनी रजिस्टर करानी है, जो फॉर्मेलिटीज होती है एक सीए के एंड से, डॉक्यूमेंटेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लोगो या जो भी होता है, फूडिंग इंडस्ट्री से आ रहे हैं तो FASIN का होता है हमारा सर्टिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है. देन आपको टीम बिल्डिंग करनी है. टीम बिल्डिंग के लिए मैंने आपसे बोला कि कोशिश ये करिएगा कि शुरुआती दिनों में हम अच्छे लोगों को अपने साथ रखें और ऐसे लोग हों जिनके अंदर वह प्रतिभा हो जो हमारे अंदर नहीं है. बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड बच्चे हों, मेच्योर हों और उनको ये मालूम हो कि स्टार्टअप में शुरुआती दिनों में पैसा आने में टाइम लगता है. भाई जब आएगा पैसा तब हम बात कर लेंगे पैसे के बारे में, बट हमारे पास में शुरुआती दिनों के अलावा हम जब अपना स्टार्टअप शुरू करें तो टीम हमें छोड़ के ना जाए. जब टीम छोड़ के जाती तो आपका स्टार्टअप आइडिया बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, आप वहीं से बिल्कुल ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेकडाउन स्टेज आ जाती. अगला हमें क्या करना है कि बूटस्ट्रैपिंग, जो मैंने वर्ड बोला कि अब हमें सेल्फ फंड करना है. अगर हमें पैसा कहीं से नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करना है और टेक्निकल हमें इम्प्रूवमेंट करना है कि भाई अगर आप गूगल पर नहीं है तो आप अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे. आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी होगी, कंपनी रजिस्टर तो हो चुकी है, अब उसके साथ साथ हमारी टीम भी बिल्ड हो गई है. अब हमें वेबसाइट डेवलपमेंट पे काम करना होगा, हमें ऐप डेवलपमेंट पे काम करना होगा, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी. अब वो जमाना नहीं है कि जब हम रोड के किनारे बैनर पोस्टर लगाएं, अपने अपने ब्रांड को मार्केटिंग करें. ब्रांड की मार्केटिंग बहुत जरूरी है और ब्रांड की मार्केटिंग के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग यूज करना होगा. कि आप एक जगह बैठ के अपनी ऑडियंस को सेट कर सकते हैं कि भाई अब अगर आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ है तो आप पेशेंट को टारगेट करेंगे. आपका बिजनेस अगर स्टूडेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ है, कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो आप स्टूडेंट को टारगेट करेंगे. आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है ये बहुत मायने रखती है और ये आप कर पाएंगे डिजिटल मार्केटिंग से. ठीक है, इसके बाद हमारा जो हम बात करते हैं कि भाई अभी फंड भी हो गया, अब हमें ये देखना है कि बूटस्ट्रैपिंग में आप बहुत ज्यादा फंड इकट्ठा नहीं कर सकते हो. भाई दोस्त हो, आप लोग अभी पढ़ ही रहे हो तो पैसा कहाँ से लाओगे इतना. लेकिन हाँ, 10-15-20 हजार 50 हजार रुपए आप इकट्ठा कर सकते हो आपस में और यहाँ शुरू कर सकते हो. अब आपको ये करना है कि आपको एक अच्छा विन विन बिजनेस मॉडल बनाना है कि हमारे बिजनेस मॉडल में क्या दम है. बिजनेस मॉडल एक ऐसी चीज है जो हम इन्वेस्टर को पिच करते हैं, वहां पर बताते हैं कि सर हमारा ये आइडिया है, हम ये काम करेंगे. 1 ईयर मॉडल होता है, 4 ईयर मॉडल होता है कि अगर हमें इतना पैसा मिलेगा तो इसको हम इस जगह इन्वेस्ट करेंगे. सर इस चीज के लिए हमें इतने पैसे की आवश्यकता है. एंड डोंट वरी फ्रेंड्स, जब से हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ है, नोटबंदी हुई है, तब से बहुत सारे लोगों का रुझान इस क्षेत्र की तरफ है कि वो नए नए स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप जब निकलेंगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास निकलेंगे, आप एक ही ट्यू से सपोर्ट लेंगे तो डेफिनेटली फंडिंग मिलना आसान नहीं होता है, लेकिन फंडिंग मिल रही है, आज मिल रही है. और यही सबसे बड़ा कारण है कि 50,000 बच्चे स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म से अपने को इनरोल कर चुके हैं. आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, जिसमें हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत मतलब हम बाहर से बहुत कम चीजें इंडिया में इंपोर्ट करें, हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें. आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है कि इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करना है और इसमें कहीं ना कहीं स्टार्टअप बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं. फ्रेंड्स आज इंडिया का जो मार्केट है वो 32 यूनिकॉर्न स्टार्टअप के साथ एस्टेब्लिश हुआ है. 32 यूनिकॉर्न हुए हैं. यूनिकॉर्न का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा स्टार्टअप जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन हो. $1 बिलियन जिस भी स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू है उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं. और आज पूरे भारत में 32 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं और आंकड़ा ये है कि एक साल के बाद लगभग 100 तक हम इस आंकड़े को टच कर सकेंगे. फ्रेंड्स यह सब जो हो रहा है यह लगातार लोगों के अंदर
डेवलप किया गया है, उनको बताया गया कि आप स्टार्टअप करो। और कहीं ना कहीं जब आप स्टार्टअप करते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपके अंदर बी योर ओन बॉस वाली फीलिंग रहती है। लेकिन हाँ, फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। यह थोड़ा वर्ड मैं बोल रहा हूँ और आज इसके इस कार्यक्रम में बोल रहा हूँ, मतलब लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। मतलब 1000 लोगों में से एक बच्चा शुरू करता है, 1000 लोगों में से शुरू तो 900 करते हैं, 90% शुरू करते हैं, लेकिन सक्सेस कितने लोग हो पाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब आप 9 से 5 की नौकरी छोड़कर आप 24/7 का कमिटमेंट कर रहे हो। भाई आपका स्टार्टअप है, आपको घड़ी देखकर काम नहीं करना होगा, आपका बिजनेस है, आपको 24 घंटे सातों दिन काम करना पड़ सकता है। वो भी हमें मालूम है कि हमें कोई सैलरी नहीं देगा, तब एक बार सैलरी जब हमको मिल रही होती है तब तो काम करने मजा आती है, लेकिन जब आप खुद का वेंचर एस्टेब्लिश कर रहे हो, बिजनेस डाल रहे हो, तो आपको सैलरी मिले या ना मिले आपको काम करना ही होगा। आप देखिए एक बार कि कहां कहां से हम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD का जो प्लेटफॉर्म है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की साइट विजिट करिए, स्टार्टअप इंडिया की साइट विजिट करिए, वेबसाइट विजिट करिए। आज हम बात कर रहे हैं 4G के बारे में, 5G आने वाला, सबके पास सफिशियंट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी तभी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें सुन पा रहे हैं। फ्रेंड्स आप YouTube के जरिए नॉलेज एक्वायर करिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं। जब आप स्टार्टअप करने के लिए निकलेंगे और जब निकल लेंगे आप, तो आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। कंफर्ट जोन का मतलब आप सब अच्छे समझ पा रहे होंगे, जितने भी बच्चे हैं, सब इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मालूम है कंफर्ट जोन क्या होता है। कंफर्ट जोन मतलब आप सोफा बैठे हो, आप घर पे बैठे हुए हो, आपको बाहर नहीं जाना है। भाई बाहर नहीं निकलोगे तो सीखोगे कैसे? बाहर निकलना होगा, आपको चीजें सीखनी होंगी, आपको दूसरे लोगों को देखते हुए उनसे ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी। इसके साथ साथ हमें, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारा, हमें फंडिंग भी मिल गई है, हमें देखना है कि हमारा क्लाइंट रेशियो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब पहले हमने शुरू किया तो हो सकता है 5 लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदें या 5 लोग हमारी सर्विसेज लें, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अब 5 लोग हमारा प्रोडक्ट ले रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, तो क्या ये बढ़ रहा है रेशियो? घट तो नहीं रहा है ना, कस्टमर लगातार आना शुरू हुआ है, बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, हमें ये भी ध्यान देना है। अगर कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि आपके मॉडल में सुधार की जरूरत है, आप सुधार करिए, आप उसको सुधार करिए और आगे बढ़िए। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमें जो समय मिला है, ये बहुत बहुत ही हमारे लिए समय मूल्यवान है जिसमें हम आपसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इसमें जिनको बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारी जानकारी की रिक्वायरमेंट होगी। आप सब, आपके मैनेजमेंट के पास मेरी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उनसे ले सकते हो, आप लिंक्डइन पे मुझे पिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर सकते हो, मैं सदैव 24/7 आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। फ्रेंड्स हमारे पास जो लगातार एक क्वेरी आ रही है वो है कि सर कैसे हम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें इस पेंडेमिक के टाइम। भाई पहले हमारे पास समय नहीं था और आज हमारे पास समय ही समय है, तो ये हमारा आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है कि कैसे हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें। इसके लिए मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी की स्किल डेवलप करनी होगी, आपको अपने अंदर ओके ठीक है आशीष प्रताप सर, मुझे आपका मैसेज मिला, मैं उस पर बात करता हूँ। फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि ये हमारा लास्ट टॉपिक मैंने चूज किया है कि क्रिएटिविटी की स्किल कैसे हम बिल्ड करें जिससे आप इस सेशन से कुछ सीख भी सकें। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब भी दूंगा और मैं पूरा आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, 24 घंटे 7 दिन जुड़ा हुआ हूँ। आप कभी भी, जरूरी नहीं ये सेशन चल रहा है, अब जरूरी नहीं, आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हो, आपके फैकल्टी मैनेजमेंट में बार बार उनकी सराहना कर रहा हूँ कि इस पेंडेमिक ड्यूरेशन में भी लगे हुए हैं कि बच्चे उनके कुछ सीख सकें और कुछ कर सकें। भारत के तमाम अच्छे स्पीकर्स जिनके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि भंडार है, नॉलेज का भंडार है, आपसे जुड़ रहे हैं, वर्चुअल माध्यम से अपना अनुभव साझा कर रहे हैं।
दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको क्रिएटिव होना होगा, आपके आपको अपने अंदर क्रिएटिविटी की स्किल बिल्ड करनी होगी। अब क्रिएटिव कैसे बने उसके लिए मैं 5 बातें आपसे बताने जा रहा हूँ, और ये 5 बातें मैं सिर्फ आप सबसे बता रहा हूँ, ये मैंने आज सुबह ही सोची है, ये मेरी मतलब आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, सेशन है और कुछ मैं सोचता हूँ कि नया बता सकूं बच्चों को, तो दैट्स व्हाई मैंने 5 चीजें प्रिपेयर करी। आप क्रिएटिव होना है, आपको टाइम को यूटिलाइजेशन में क्रिएटिव होना है। क्रिएटिव होने के लिए सबसे पहली स्किल, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, लिसनिंग स्किल। आपको लिसनिंग स्किल आनी होगी, आपको अच्छा लिसनर बनना होगा अगर आपको क्रिएटिव बनना है तो। मैंडेटरी है कि आपको अच्छा लिसनर बनना होगा। अब अच्छा लिसनर बनने के लिए क्या करें, सुनने वाला बनिए ना। आप देखिए अभी सारे लोग सुन रहे हैं ना, मतलब आपको सुनते रहना होगा। आपको अगर फैकल्टी क्लास में पढ़ा रही तो आपको सुनना होगा, आपके मदर पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप सुनिए ना। होता क्या है कि जब हम लिसनिंग बात करते हैं, जब हम सुनने की बात करते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा बोलते रहते हैं ना कि हम सामने वाले को सुनना भूल जाते हैं। एग्रीड, कितने लोग एग्री हैं मुझे चैट बॉक्स में बताओ, लिसनर कितने लोग हैं, अच्छे लिसनर कितने लोग हैं चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि कितने लोग अच्छे लिसनर्स हैं। आपको क्रिएटिव बनने के लिए उत्कर्ष जी, वाओ उत्कर्ष हमारे अच्छे लिसनर हैं, अमित अच्छे लिसनर हैं, सुमित अच्छे लिसनर हैं, हाँ सब अच्छे लिसनर हैं और सब हमको सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि म्यूट हो तब अच्छे लिसनर हो, ये याद रखिएगा, हमको म्यूट करना पड़े तब हम तो लिसनर बन ही जाएंगे ना। लिसनर बनना बहुत जरूरी है आप सबके लिए फ्रेंड्स। अब लिसनर कैसे बने, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप 1/5 रूल अप्लाई करिए। हर चीज में रूल चलता है, आप अगर मैथ लगाने बैठ रहे हो तो आप मैथ जब लगाओगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला लगाओगे। लिसनर बनने में आपको 1/5 रूल अप्लाई करना है। आप अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हो तो आप 1 मिनट बोलो 5 मिनट सुनो, 1/5 रूल। 1 मिनट बोलो 5 मिनट सुनो, 1/5 रूल लगाओ, लिसनर बनो। लिसनर बन गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे, क्रिएटिव बन जाओगे। मैं जो टेक्निक यूज करता हूँ लिसनिंग की, वो रासा टेक्निक यूज करता हूँ। रासा टेक्निक यूज करता हूँ। अब ये रासा टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको मैसेज भी डाल रहा हूँ रासा टेक्निक क्या है। देखिए जब भी आप कुछ सुन रहे हो तो रासा टेक्निक मैंने आपको बताई। रासा में आर का मतलब है रिसीव करना, ए का मतलब है एप्रिशिएट करना, एस का मतलब है मैनेज करना, देन ए का मतलब है आस्क करना। रिसीव करना, एप्रिशिएट करना, समराइज करना, देन आस्क करना। अब मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आप जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 12th पास आउट कर आए हैं आप लोग, है ना, यस या नो, सब 12th पास आउट करके आए हो। आपके पास 10th का कोई बच्चा आता है, आपके फैमिली मेंबर का कोई बच्चा आता है, आपसे बोलता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हो रहा है, या ये प्रॉब्लम मुझसे सॉल्व नहीं हो रही है, या मैं बोल सकता हूँ कि 8th का बच्चा आया, प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपके एंड से वो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो, आप उसको देख के सॉल्व कर दो, एग्रीड। हमें क्या करना है, सबसे पहले वो बच्चा क्या बोल रहा है उसको रिसीव करना है, क्या बोल रहा है, देन एप्रिसिएट करना है। अच्छा आपने ये कर लिया, आपने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, ओके वेल एंड गुड, अच्छा फॉर्मूला है ये, इसे लग जाएगा थोड़ा ट्राई और करते। एप्रिशिएट करो उसको, उसने जो ट्राई किया है उसको एप्रिशिएट करो, देन एप्रिशिएट करने के बाद समराइज करो। समराइज मैंने बोला समराइज, अच्छा ये प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड, समराइज करो जो उसने बोला, उसको तुम भी बोलो एक बार, अच्छा ये समझ नहीं आ रहा, समराइज करो, ठीक है। अब उससे आस्क करो कि ये प्रॉब्लम तुमसे क्यों नहीं हो रही है। हम क्या करते हैं, हम आर ए एस को भूल जाते हैं। जब हम लिसनिंग की बात करते हैं तो हम सीधे सीधे हमने सुना और आस्क कर दिया, ऐसा नहीं है। आस्क तो सबसे बाद में आता है ना, सबसे पहले अच्छे से रिसीव करो, अप्रिशिएट करो, समराइज करो, उसके बाद आस्क करो। मजा आएगा कन्वर्सेशन में, बात करने में कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हम बात करते हैं जब भी, हमें इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा फर्स्ट ईयर में। हम बात करते हैं कि हमारा जो कन्वर्सेशन होना चाहिए वो बाई डायरेक्शनल होना चाहिए, मतलब अगर हम इधर से मैसेज भेज रहे हैं तो उधर से मैसेज रिसीव भी होना चाहिए ना। अब वो मैसेज हो सकता है साइन लैंग्वेज में हो सकता है, भाई आपने किसी से बोला और कैसे हो, तो उसने बोल दिया
पानी पियोगे, मतलब हो सकता है साइन लैंग्वेज हो, लेकिन ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हुआ, बाई डायरेक्शनल कन्वर्सेशन हुआ। तो आपको भी यही करना, लिसनर बनते टाइम आपको सिर्फ बोलते नहीं रहना है, सुनना भी है। और अगर मैं बोलने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक चीज और एड ऑन करूंगा कि बोलना है जरूरी नहीं इंग्लिश में बोलना है। मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ। भाई इंजीनियरिंग के समय में बहुत सारी समस्याएं, आपको लगता है हम एचआर के सामने जाएंगे और अगर हम अंग्रेजी में उसको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो हो सकता है एचआर हमको जॉब पे ना रखे। बहुत बड़ा फियर है इंग्लिश फियर। फ्रेंड्स, इंग्लिश को आप फियर मत बनाइए, आप वो लैंग्वेज यूज करिए जिसमें आप अपना मैसेज अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं और सामने वाला अच्छे से समझ सकता है। आप चकाचौंध के चक्कर में इंग्लिश बोलना मत शुरू करिए। ओके, समझ में आया? पहली स्किल क्रिएटिव बनने के लिए अच्छा लिसनर। समझ में आया? कितनों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आ जाओ फटाक से। ठीक, दूसरी स्किल, आपको अपने अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल बिल्ड करनी होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल लिसनिंग देन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? देखकर सीखना। कोई चीज आप देख रहे हो ना, आप देख के सीखो। आप मार्केट में जा रहे हो, देखो अच्छा आप ऐसा मास्क लगाए हुए हो, अच्छा ये N95 मास्क है, नॉर्मल मास्क और N95 में क्या डिफरेंस, देख के सीखो, ऑब्जर्व करो चीजों को। आप ऑब्जर्व करो और देख के चीजों को सीखो कि अच्छा आपके फैकल्टी है, फैकल्टी कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाते हो, सीखो। आपके पेरेंट्स हैं, कैसे वो मनी का अच्छे से सदुपयोग कर रहे हैं, मनी मैनेजमेंट कैसा है उनके पास में, कैसे उनको जब एक दिन पैसा मिलता है तो एक महीने तक कैसे चलाता है। ऑब्जर्वेशन स्किल लाओ अपने अंदर, हर चीज को देखो और ये देखो कि कैसे कैसे उसकी क्या प्रोसेसिंग है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, देखो कि ये मशीन है, ये गाड़ी है, कैसे अंदर ऑब्जर्व करो उसको। समझ में आया? ऑब्जर्वेशन स्किल जरूर काम आती है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको फटाक से। आपने जापान सुना है ना, जापान कंट्री है, और वहां पर क्या होता है कि वहां पर हम जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो हमें बात करने के लिए शुरुआत में अल्फाबेट सिखाए जाते हैं। हम हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ते हैं। अंग्रेजी का मतलब ए से जेड और हिंदी का मतलब आ से क्या, एग्रीड। लेकिन जो जापान होता है वहां पर बातचीत करने के लिए बच्चे को कोई लेटर नहीं सिखाया जाता, उनके यहाँ पर साइंस होते हैं, साइन होते हैं, SIGN वाले साइन, सिंबल्स होते हैं। वहां का बच्चा जब बातचीत करना शुरू करता है तो उस बच्चे को बातचीत करने के लिए, भाई अपने इंग्लिश में 26 लेटर्स है ना, हिंदी में 52 लेटर्स है। लेकिन जापान में एक बच्चे को दूसरे से बात करने के लिए, शुरू बात करने के लिए, मतलब जब वो बहुत अर्ली स्टेज पर होता है, बच्चा होता है, स्मॉल बेबी होता है, तो कम से कम 4000 सिंबल सीखने होते हैं। कितने सिंबल? 4000 सिंबल सीखने होते हैं। जब वो 4000 सिंबल सीख पाता है ना, तब वो आपस में बात कर पाता है। यानी कि उनके अंदर सोचो कितना बड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल है। इसीलिए वो हमसे आगे हैं, वो आगे हमसे इसीलिए कि उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल है, कि वो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप भी सीखते रहिए, अच्छे लिसनर बनिए। मैं बार बार देख रहा हूँ आशीष सर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं सामने से मुझसे। आज इस स्टेज पर भी वो लिसनर हैं अच्छे, वो सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। मैंने बताया पहला अच्छे लिसनर बनिए, दूसरा मैंने आपसे बताया कि भाई आपको अपने अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल लानी होगी। लिसनर बनने के लिए मैंने आपसे 1/5 रूल बोला और उसके साथ साथ आपसे बोला कि आप रासा टेक्निक का उपयोग करिए। ऑब्जर्वेशन स्किल में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जापान का। थर्ड चीज जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है वो नेटवर्किंग स्किल बिल्ड करनी है। आप अच्छे लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग स्किल का मतलब अच्छे लोगों से मिलिए, उनसे कुछ सीखिए। नेटवर्किंग, मैं बोलता हूँ कि माई नेटवर्क इज माई नेटवर्थ। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप उसको आने वाले समय में नेटवर्थ में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके डिपार्टमेंट होंगे, आप CS डिपार्टमेंट में, तो होता क्या है कि जैसे मैं फील करके आया हूँ, ये जो चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम CS में होते हैं तो सिविल के बच्चों से मतलब नहीं रखते हैं, सिविल में है तो इलेक्ट्रिकल के बच्चों से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है, हम नेटवर्क बिल्ड करना है अच्छा सा, कम से कम कॉलेज से शुरू करूँ ना। प्राइमरी पाठशाला है वो आपकी, प्राइमरी तो हो गई, अब ये माध्यमिक भी हो गई, लेकिन अब जब आप ये लास्ट पाठशाला है आपकी, इसके बाद आप सीधे सीधे कॉर्पोरेट में आओगे, वहां सीखने का मौका नहीं मिलेगा। वहां तो सीधे बस ये होता है, काम कर पाओगे टाइम से तो यस, नहीं कर पाओगे टर्मिनेट, काम खत्म। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है,
आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। सिविल के बच्चे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उनसे आप बातचीत करना शुरू करिए, सीखिए। नेटवर्क की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर दो नेटवर्क आपको बना के चलना है, एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल। यहाँ भी कैटेगराइजेशन है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नेटवर्क है, हम सिर्फ प्रोफेशनल लोगों से बात करते हैं, पर्सनल हमारा कुछ है ही नहीं, या पर्सनल इतना ज्यादा घुल मिल गए कि हम टीचर के गले में हाथ डालने लगे। भाई कानपुर से है ना, और सर कैसे हैं आप, ऐसा नहीं। हमें दायरा रखना है ना, हमें सीखना है तो हमें रेस्पेक्ट देनी होगी। भाई गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। आपको प्रोफेशनल नेटवर्क अलग रखना है, पर्सनल अलग रखना है, और पर्सनल को बहुत कम रखना है। आप समझ रहे हो ना, पर्सनल को आप बहुत कम रखना है आपको, मतलब पारिवारिक सदस्य 8-10 लोग हो गए, ये हमारा पर्सनल नेटवर्क है। और प्रोफेशनल नेटवर्क भी हमारा ब्रॉड होना चाहिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल बड़ा हो, पर्सनल छोटा हो। माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क, नेटवर्किंग स्किल बिल्ड करिए। कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे लोगों को क्वेरीज रहती हैं, आपको अगर वो चीज आती है आप वहां पर मैसेज डालिए जाके। जब आप मैसेज डालेंगे तो क्या होगा कि वो व्यक्ति आपके पास आएगा, आपको जानेगा, आपसे बातचीत करेगा। जब बातचीत करेगा तो नेटवर्क अच्छा स्टेब्लिश हो रहा है। कोविड में आपने बहुत सारी ये चीजें देखी कि ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला कि हमें प्लाज्मा की जरूरत है, दूसरा बच्चा आया सामने, उसने बोला कि यस मैं आपको सर्व करा दूंगा या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्या हुआ, वहां से नेटवर्क बिल्ड हुआ। जब भी कहीं प्रॉब्लम अराइज हुई है आप उनको फ्रंट लाइन में लाइए, आपके पास अगर सोल्यूशन है आप बिल्कुल बेहिचक सामने आइए और सोल्यूशन को सर्व करिए। नेटवर्क अच्छा बनाइए, फेसबुक पर हो रही है, कहीं भी कुछ ही ग्रुप की बात हो रही, आपको लगता है कॉलेज में ऐसे है, कॉलेज में क्या है कि अगर फैकल्टी हमसे बोल रही है कि ये काम कौन व्यक्ति कर पाएगा, आप हैंड रेज करिए, शर्माइए नहीं, क्योंकि कॉलेज के बाद आपको सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ओके, सो नेटवर्किंग स्किल। अगला है, हमें एक्सपेरिमेंटेशन स्किल बिल्ड करनी होगी। एक्सपेरिमेंटेशन स्किल फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, नेटवर्किंग, देन एक्सपेरिमेंटेशन स्किल। आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना होगा, अगर ऐसे नहीं ऐसे। भाई कल तक हम वर्चुअल नहीं मिलते थे, हम आमने सामने बैठ के बात करते थे, आज हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई अच्छा जूम प्लेटफॉर्म है, ठीक है हम जूम पे बैठ जाएंगे, ओके नो इश्यूज। आपको एक्सपेरिमेंट, अगर सपोज दैट ये जो पेंडेमिक आया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, अगर हम पहले से अपने दिमाग में बना के चलते, मिनिस्ट्री बना के चलती, हो सकता है भविष्य में ऐसी कोई आपदा आ जाए, एक्सपेरिमेंट करती रहती, तो शायद ये जो हमारी कोरोना की जो वैक्सीन इतने देर से आई है ये पहले आ गई होती, अगर लैब में टेस्ट हुआ होता, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ होता। एक्सपेरिमेंट करती है लाइफ में कि अच्छा ये फोन रखना, इस बार हम ये ट्राई करते हैं, ओके आज हमने एक्सपेरिमेंट, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है, अच्छा ये कपड़े पहने आज, चलो आज ये ट्राई करता हूँ, आज ये कलर ट्राई करता हूँ। एक्सपेरिमेंट हर चीज में आप एक्सपेरिमेंट करिए, अच्छा अब तक मैं कोल्ड ड्रिंक पीता था ड्यू, आज स्प्राइट पीऊंगा, एक्सपेरिमेंट है, नया एक्सपेरिमेंट है। अभी तक मैं पनीर खाता था, आज मैं मशरूम खाऊंगा, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करते रहिए जितना ज्यादा हो सके, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने क्रिएटिव बनेंगे। अगला पांचवा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ इस सेशन का, वो है कि आपको फेल्योर को सहने की क्षमता डालनी होगी, विकसित करनी होगी। फेल्योर को कैसे मैनेज करना है बहुत जरूरी है, क्रिएटिव बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको फेल्योर सहने की क्षमता है। आपने 1,00,000 रुपए लगा कि कोई बिजनेस शुरू किया, बिजनेस फेल हो गया, अब क्या हुआ, लो आप डिप्रेशन में चले गए, आप रो रहे हो बंद कमरे में, आपने अपने को कमरे में बंद कर लिया, ऐसे थोड़ी ना होता भाई। फेल्योर मतलब भाई 95% चांसेस है कि हम बिजनेस में अच्छा करेंगे, लेकिन 5% फेल हो गए तब फेल्योर को आप अपने दिमाग में बसा के चलिए, क्योंकि 10 में से 9 स्टार्टअप फेल होते हैं मेरे भाई। आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो तो फेल तो स्टार्टअप होगा ही होगा, लेकिन आपके अंदर कितनी क्षमता है, आपके अंदर अपने बिजनेस को रिविजिट, रीएनालिसिस और रिवाइज करने की कितनी क्षमता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल को रिविजिट करिए, रीएनालिसिस करिए और रिवाइज करिए, बार बार करते रहिए, साइकिल चलाते रहिए, तो शायद आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। टाइम को मैनेज करने के लिए क्रिएटिव बनिए, क्रिएटिव बनने के लिए अच्छे लिसनर बनिए, ऑब्जर्वेशन स्किल लाइए, नेटवर्किंग स्किल लाइए और एक्सपेरिमेंटेशन स्किल लाइए, साथ साथ फेल्योर को सहने की क्षमता डालिए। मैंने आपसे बोला यू आर बॉर्न इन द बेस्ट एरा, आज आपके कॉलेज मैनेजमेंट से लेकर हर तरह के संसाधन प्रशासन आपको मुहैया करा रहा है कि आप अपना खुद का वेंचर शुरू कर सके। आप अपने वेंचर पर की मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए, आप उसकी ब्रांडिंग पर ध्यान दीजिए, आप लगातार लोगों से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं फिर से बोलूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीवन। यहाँ पर 9 से 5 की नौकरी को छोड़कर 24/7 का कमिटमेंट करना पड़ता है हमें।
कमिटमेंट करना पड़ता है, हमें खुद से कमिटमेंट करना पड़ता है, और हो सकता है कि इसके बदले हमें कुछ पैसा भी ना मिले, लेकिन हाँ एक हमारा मॉडल है, हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स चलते चलते एक चीज आपसे और बोलना चाहूंगा कि अब चलन हो गया है, चलन हर चीज में, भाई जब जिस चीज में आप आगे बढ़ रहे हो ना उसमें आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। लाइक अगर आप हैलट अस्पताल जाओगे, कानपुर में है, आप जब अस्पताल में जाओगे तो आप देखोगे इसका मरीज है, कितने सारे पेशेंट आ रहे हैं। इसके बाद हो सकता है कि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ वाले अस्पताल में जाए, हड्डी वाले डिपार्टमेंट में जाए, ज्वाइंट वाले में जाए, तो आपको लगेगा इतने लोग पैर टूट गए, बताओ सब तो यहाँ पैर टूटे ही लोग बैठे हुए हैं। आप जले वाले में जाएंगे तो आपको लगेगा मतलब कितने लोग जले हुए हैं। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हो उस इंडस्ट्री का आपको ज्यादा नॉलेज होता रहता है। फ्रेंड्स ये स्टार्टअप इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर एक मैं वर्ड आज जरूर यूज करूंगा, रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर, रियल एंटरप्रेन्योर वर्सेस फेक एंटरप्रेन्योर। फेक एंटरप्रेन्योर, फेक एंटरप्रेन्योर कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन हम होता क्या है कि हमारे कॉलेज से किसी बच्चे ने मेहनत करके अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, अपनी कंपनी शुरू कर दी, और उसको देख कर हम शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करो, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो 99.99% फेल हो जाओगे, मतलब फैक्ट के साथ। फेक एंटरप्रेन्योर मत बनो, देख के मत चीजें करो, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं चलता, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं चलता। आपको कुछ नया करना है, आप अपने आइडिया के साथ आइए, और उस आइडिया पे आप अपने मैनेजमेंट से सपोर्ट लीजिए, फैकल्टी से सपोर्ट लीजिए, आप आगे बढ़िए, आप रियल एंटरप्रेन्योर बनिए, आप हस्टलर बनिए। और ये कब तक करना है ये सारा काम, हस्टल अंटिल यू नो नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको तब तक काम करना है जब तक आपको अपना परिचय खुद से ना देना पड़े, आप जहां भी जाएं बगल वाला आपका परिचय कराए, अच्छा अच्छा ये ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं, सर ने कभी सवाल किया हुआ था कि अंशुमन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं बस क्वेश्चन निकाल रहा हूं कि कैसे हम गवर्नमेंट से फायदा ले सकते हैं, चीजों को कर सकते हैं। बस मैं सवाल तक पहुंच रहा हूं। अंशुमान सर शेयर करेंगे क्या? हाँ जी सर, बस ये थोड़ा एक सवाल है सर का, मैं उसके बारे में बता दूं फिर मैं ठीक है। सर शेयर नहीं करना है कुछ भी, बस सही मुझे मुकली। हाँ गुड आफ्टरनून सर, आई एम फैकल्टी मेंबर ऑफ सोसाइटी, हाउ कैन स्टार्टअप सेल गुड परफॉर्म इन कॉलेज। ओके ठीक है, समस्या ये आ रही कि वीआईटी के बच्चों से ज्यादा तो वीआईटी की जो फैकल्टी है वो डेडिकेटेड है, मतलब फैकल्टी चाह रही कि बच्चे कुछ करें और बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। वाह भाई वाह भाई, फैकल्टी आपके लिए चाह रही ना। अब सर करना क्या है आपको, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। आपको पूरा एक डिपार्टमेंट बना देना है, हर जगह एक डिपार्टमेंट होता है, भाई सीएस डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है। आप गवर्नमेंट में जाओगे हर जगह के आयोग बने हुए हैं, SC ST आयोग अलग, आज मैं SC ST आयोग में बैठा हुआ हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें एक डिपार्टमेंट बना देना है और उसका एक मुखिया बना देना है, कोई एक ऐसा बच्चा जो लगातार अच्छे काम कर रहा हो, अच्छे काम कर रहा हो, खुल के बात कर सकता हो। उसकी जिम्मेदारी आप वो दीजिए कि भाई ये बच्चा है और ये संभालेगा हमारा इसे, बच्चों को आगे लाइए। होता क्या है, फैकल्टी और बच्चों के बीच में गैप हो जाता है, बच्चे चाहते तो हैं करना लेकिन बच्चे कर नहीं पा रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर एक बच्चे को आप जिम्मेदारी दीजिए कि आप फिल्ट्रेशन निकालिए कॉलेज की तरफ से, आप अपना जो अनाउंसमेंट निकालते हैं है ना, ब्रॉचर जो रिलीज करते हैं आप, उसमें आप एक लिंक डाल दीजिए, गूगल फॉर्म बना दीजिए कि जो भी बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप सेल से जुड़ना चाहते हैं उनको ये फॉर्म फिल करना है। अब जुड़ना क्यों चाहते हैं, उसके फायदे क्या होंगे, जब तक आप सर फायदे नहीं देंगे आप ना तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। आप ये बोलिए कि हम आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, हम आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा देंगे, तो बच्चों का इंटरेस्ट लगेगा, बच्चों का मतलब नंबर मिले हमें। हमें सीखना या ना सीखना अलग बात है भाई, हम सबको एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते, लेकिन सबसे पहले हमें माहौल बनाना होगा, बच्चे हमारे साथ इन्वॉल्व हों, उसके बाद हम कुछ स्क्रीनिंग कर लें। बच्चा का एक जिम्मेदारी है कि भाई हमें कॉलेज में इवेंट होस्ट करने हैं, अब इवेंट होस्ट कर एक बच्चे को जिम्मेदारी आप दे दो कि भाई आपको स्पीकर फिल्टर करना है। ये सारे काम जो मैनेजमेंट हमारा कर रहा है बहुत, ये बच्चे हमारे कर सकते हैं, मैनेजमेंट सिर्फ गाइड करे उनको, मैनेजमेंट उनको गाइड करे, मतलब फैकल्टी के नंबर ऑफ काम होते हैं,
बच्चों का रिजल्ट बनाना, बच्चों का ये करना वो करना, ये जिम्मेदारी आप बच्चों को दे दीजिए, बच्चे अपना ईसेल को हैंडल करें। आप एक मैनेजिंग कमेटी के तौर पर, आप बच्चों को गाइड करते रहिए। बाकी मेरे पास एक मॉडल है कि कैसे हम ईसेल को चला सकते हैं, मैंने अलग अलग कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा आशीष सर, वो बहुत ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा आपके लिए। AKTU से आप जुड़े हुए हैं, कैसे हम और AKTU से मदद ले सकते हैं, अभिषेक नंदन सर हैं वहां पर AKTU में, बहुत अच्छे मेरे खास हैं वो, कैसे AKTU की योजनाओं को हम ला सकते हैं जिससे बच्चे बेनिफिटेड हो सके। कि भाई हमारा ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य तब सफल होगा जब हमारे साथ अभी इतने सारे बच्चे जुड़े हुए, 70 बच्चे जुड़े हुए हैं, और इन 70 में से अगर 7 ने हमारे साथ इंक्वायरी करी और किन्हीं 2 ने भी कॉलेज से कुछ शुरू कर दिया, भाई शुरू करने के लिए कोई आगे आए ना, मतलब 70 जुड़ रहे हैं ये सेकेंडरी है, कितने लोग आगे चलेंगे इस सेशन के बाद, सिर्फ इस सेशन को वो लोग सिर्फ एक क्लास फॉर्म में आए, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो और वो कुछ कर सकें, जिसे थोड़ा समय लगेगा सर, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हम बात कानपुर की कर रहे हैं। अगर हम बैंगलोर में होते तो हो सकता है वहां का सैनिक अलग होता, आज वहां का माहौल नहीं है, आप सभी के प्रयासों से वहां पर माहौल बन रहा है, तो दैट्स वाई थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा हमें। और स्टार्टअप इंडिया का एक आप लिंक सर्कुलेट कर दीजिए, www.startupindia.com, इसको आप ग्रुपों में डाल दीजिए, उनसे बोलिए कि आप एक बार विजिट करें उसको देखें कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेकर आया है। जब बच्चे देखेंगे तब उनके अंदर जज्बा आएगा कि यार यहाँ पर तो टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा हमको, अगर हम स्टार्टअप है तो हमें टैक्स नहीं देना है, 50 लाख रुपए तक हमको टैक्स फ्री है, तो बहुत सारी स्कीम है। ठीक है, अटेंडेंस जरूर, अटेंडेंस पर फोकस करिए कि अगर बच्चा अगर बाहर से कुछ करके आ रहा है, सीधी सी बात है, बच्चा सीखने के लिए बाहर जाएगा, वो IIT कानपुर जाएगा सीखने के लिए, IIT कानपुर बहुत सारे इवेंट करता है, तो जब वो बच्चा वहां पर जाएगा तो हो सकता है कि उस दिन वो कॉलेज ना आ पाए, और जब कॉलेज ना आ पाए तो अगर बच्चे की जिम्मेदारी वो आपको सर्टिफिकेशन दे कि वो IIT में था, अगर वो सर्टिफिकेशन दिखा रहा है तो आप उसको अटेंडेंस दीजिए। ऐसे क्या होता है कि बच्चे के अंदर उत्सुकता बढ़ती है कि हाँ मुझे मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया। ठीक है सर, तो दैट्स ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट डेवलपमेंट। इन कम शब्दों में मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा बहुत मैं अपने पास जो ज्ञान है वो मैं आप सबको दे सकूं, और आप सब कहीं ना कहीं हर मामलों में मुझसे श्रेष्ठ हैं, और ये मुझे मौका दिया VIT ने, ये मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। थैंक यू वंस अगेन रेहान सर, राजीव प्रताप सर, और जो मैनेजमेंट की फैकल्टी जुड़ी है, हमें धैर्य पूर्वक सुना, उन सभी बच्चों को, उन सभी फैकल्टी को मैं अंशुमान सिंह धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सभी का। अंशुमान सर, अगर कोई बच्चा कुछ पूछना अभी पूछा है लोगों ने चैट बॉक्स में, तो मुझे लगा काफी क्वेश्चन आशीष सर, आप लोग कुछ और पूछना चाहेंगे सर से? आप लोग ने पूछ तो लिया मुझे लग रहा है मैक्सिमम चीजें। बाकी मैंने एक मैसेज कन्वे कर दिया है अभी चैट बॉक्स में, 8756952378। देखिए सर, समय कम है और इस कम समय में सभी बच्चों की समस्याओं का समाधान करना या एक बहुत ही संभव नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है वो मुझसे सिर्फ ये बोल दे कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम विजन इंस्टीट्यूट, तो उस बच्चे की मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ 24/7। कैसे वो आगे बढ़ सकता है, क्या कर सकता है, उसको सिर्फ रेफरेंस देना होगा विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतना मैं कर सकता हूँ। थैंक यू रेहान सर, और अगर किसी को कुछ करना हो रेहान सर, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज। ठीक है सर, आगे हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर भी स्टार्टअप सेल का हम लोग देख रहे हैं अपने, वहाँ पर किस तरह से मतलब आगे बच्चे और करें। एक हमारा फाइनल ईयर का ग्रुप है जिन्होंने स्टार्टअप पे काफी काम भी किया है,
अपना एक स्कूल के लिए एक स्टार्टअप ओपन किया था, स्कूल लेवल पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह थे बच्चों को आगे बनाने हैं, कोडिंग की सीखनी है, उससे रिलेटेड किया था यहाँ पर एक स्टार्टअप बच्चों ने, वोकेन क्रिएशन नाम से है। आप तो आगे जो भी हमारे जो कोऑर्डिनेटर उनको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम लोग आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। अच्छा मैम आप एंड करते हैं सर, एंड करा दिया। हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी, हाँ जी मैडम, मैडम आ रही है आपकी आवाज, प्लीज प्लीज मैम। ओके सर जी, never start a business just to make money, start a business to make difference. With these words, on behalf of Vision Group of Institutions, I, Alfisha Alam, Assistant Professor, VIM Kanpur, would like to thank Mr. Anshuman Singh for his valuable guidance and sharing his knowledge and experience with us and our students. We would wish to have more such sessions and collaboration with you, sir, in future. And thank you so much for your valuable knowledge. Thank you so much. Sabhi ka dhanyavaad. Thank you, sir.